नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा एक और एक नई अपडेट के बारे में। मध्य प्रदेश NHM से न्यू अपडेट निकल कर आ रही है 2024 के लिए। क्या अभी वो न्यू अपडेट है, इस बारे में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। प्लस यहाँ पे इससे पहले कि यहाँ पे जो लिस्ट जारी की गई थी कट ऑफ की, तो कई लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि कब तक यहाँ पे जो चॉइस फिलिंग होगी उस बारे में क्या न्यू अपडेट है, कब तक यहाँ पे जो है आप लोग चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, वो भी मैं आप लोग को यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सारी चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस ना हो। चलते हैं हम लोग सीधे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे और सारी चीज़ यहाँ पे हम चेकआउट कर लेते हैं। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेगा ताकि आने वाली कोई भी जॉब अपडेट वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज यहाँ पर आती है सबके नोटिफिकेशन में लेकर आता रहता हूँ और किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी वीडियो में समझा देता हूँ। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब जैसे आप NHM की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, फर्स्ट वेबसाइट पर आपको विजिट करना है। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, आपको वैकेंसीज वाले सेक्शन पर चले जाना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड करे हुए हैं। ठीक है, तो उस बारे में क्या यहाँ पे निकल कर आ रहा है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे क्षेत्र सहायक और रिक्त पदों के लिए पूर्ति की सूचना पत्र, उसके बाद यहाँ पे जो है आप लोग को संविदा जो भर्ती आई थी जिसके आपके यहाँ पे जो है अप्लाई आपने किया था, एग्ज़ाम दिया था, उसके लिए यहाँ पे न्यू अपडेट निकल कर आ रही है। तो ये यहाँ पे दो नोटिफिकेशन है जिसको यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। एक यहाँ पे 3 तारीख को आया था और यहाँ पे जो एक 2 तारीख को आया था। तो 2 तारीख वाले में क्या बोला गया हुआ है देख पाएंगे आप लोग। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन व विज्ञापन क्रमांक यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद कौन सी वैकेंसी थी, तो संविदा नेत्र सहायक ऑप्टोमेटिक असिस्टेंट की वैकेंसी थी जो कि 92 रिक्त पदों के लिए पूर्ति विज्ञापन जारी की गई थी। संविदा नेत्र सहायक व ऑप्टोमेटिक असिस्टेंट वर्ष 2023-24 की परीक्षा दिनांक 12/2/2024 को आयोजित की गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में अंतर्गत संविदा नेत्र सहायक यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इस बारे में बताया गया हुआ है। उसके बाद संसद चॉइस फिलिंग MP ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट से प्रदर्शित रहेगी। तो ये आप देख सकते हैं क्या बोला गया है, चॉइस फिलिंग MP ऑनलाइन की वेबसाइट पे प्रदर्शित रहेगी। तो MP ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट है, उससे आप यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। संविदा नेत्र ऑप्टोमिक असिस्टेंट व दर्शाए गए हुए स्तर रिक्त पदों के लिए आशा अनुसार प्राथमिकता के आधार पर चयन करना अनिवार्य होगा। तो ये चयन करना जो है वो अनिवार्य होगा, अन्यथा उम्मीदवारों को स्वास्थ्य उत्तीर्ण होगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वास्थ्य उत्तीर्ण होंगे। तो ये डिटेल्स यहाँ पर जो है आप लोग के लिए निकल कर आ रही। तो जिन लोगों ने यहाँ पे जो है इसमें अप्लाई किया था, जिनका लिस्ट में नाम आ चुका है, तो उनके लिए यहाँ पे न्यू अपडेट निकल कर आ रही है। उपयुक्त पदों के लिए चॉइस फिलिंग के उपरांत MP ऑनलाइन के माध्यम से तैयार मेरिट सूची चयन सूची के आधार पर ही संविदा नियुक्ति आदेश MP ऑनलाइन के वेबसाइट पर अथवा iformmponline.gov.in एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश आंतरिक वेबसाइट www.nhmmp.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी। और महत्वपूर्ण टीपी यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें क्या बोला गया हुआ है, यह उम्मीदवार MP ऑनलाइन के ऑफिशियल वेबसाइट का नियमित रूप से आलोचना करता है और ये महत्वपूर्ण सूचना के अध्ययन देवे, इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश की कोई भी जवाबदारी नहीं होगी। यदि आवेदक समय समय पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश अलावा MP ऑनलाइन के द्वारा महत्वपूर्ण सूचनाओं को निर्देश को आलोचन करेगा तो करने में सफलता होता है तो इसकी दावेदारी मान्य की जाएगी। तो ये यहाँ पे जो है आप डिटेल देख सकते हैं, ए पेज का यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब 3 नंबर का अगर आप यहाँ पे जो 3 तारीख को नोटिफिकेशन आया था उसके अगर डिटेल्स पढ़ें तो उसमें क्या बोला गया हुआ है, जिसको यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सी वैकेंसी आई थी। संविदा जिला कार्य संबद्ध 21 पद संविदा जिला लेख प्रॉप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 11 पद और संविदा जिला कम्युनिटी मोबाइलाइजर। उसके बाद 12 पद के रिक्त पदों के लिए पूर्ति व विज्ञापन जारी की गई थी। संविदा जिला कार्यालय संबंध संविदा जिला व लेख प्रबंध व संविदा जिला कम्युनिटी मोबिलाइजर वर्ष 2024-25 से परीक्षा दिनांक 5/5/2024 को आयोजित की गई। ठीक है, इस बारे में यहाँ पे बताया गया है कौन कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पे कब यहाँ पे जो आयोजित की गई। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा जिला कार्यालय प्रबंध संविदा जिला लेख प्रबंध के संविदा जिला कम्युनिटी मोबिलाइजर व संस्थक चॉइस फिलिंग MP ऑनलाइन के ऑफिशियल वेबसाइट से mpiform.mponline.gov.in पर प्रकाशित रहेगी। तो ये चॉइस फिलिंग की यहाँ पे अपडेट आ चुकी है दोनों ही वैकेंसीज की, जिसके यहाँ पे जो है आप लोग ने देखा होगा कुछ टाइम पहले यहाँ पे जो है मेरिट सूची जो है आई थी और अब यहाँ पे जो है आपकी चॉइस फिलिंग की डेट यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। और संविदा जिला इसकी डिटेल दी गई, संविदा जिला कार्यालय प्रबंधक व संविदा जिला लेख प्रबंध संविदा जिला कम्युनिटी मोबाइलाइजर के दर्शक गए संस्था रिक्त पदों के लिए प्राथमिकता के आधार पर चयन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उम्मीदवार स्वयं उत्तरदायी होंगे। उपयुक्त पदों के लिए चॉइस फिलिंग के लिए उपयुक्त MP ऑनलाइन के माध्यम से तैयार चयन सूची के आधार पर ही संविदा नियुक्ति आदेश MP ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट www.mponline.gov.in या iformmponline.gov.in के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश अतिरिक्त वेबसाइट www.nhm.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी। तो ये यहाँ पे महत्वपूर्ण जो है डिटेल्स आपके लिए निकल कर आ रही है जो कि यहाँ पे जो है 2 पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं चॉइस फिलिंग यहाँ पे स्टार्ट होगी, जिसको यहाँ पर जो है आप लोग यहाँ पे जल्दी से जल्दी ये यह
यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर लीजिएगा। तो ये यहाँ पे न्यू अपडेट है, जिन लोगों को इस बारे में पता नहीं उन लोगों को बता दूँ, ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो इसमें पूरी डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो है ये नई अपडेट निकल कर आई उन लोग के लिए जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है, तो वो यहाँ पे जो है चॉइस फिलिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी अब बात कर लेते हैं हम लोग उसके यहाँ पे जो कट ऑफ का यहाँ पे बोल आया हुआ था, ठीक है, और कई लोग बोल रहे थे कि उसकी चॉइस फिलिंग की डेट कब तक आएगी, कब तक यहाँ पे चॉइस फिलिंग आ सकती है। तो यहाँ पे हम लोग चेकआउट करते हैं, तो सीधे आप लोग यहाँ पे आईफोन की इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, ऑल नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक कर देना है, नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको और स्क्रॉल कर लेना है, जहाँ पे जो है आप लोग जो लिस्ट थी वो यहाँ पे निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रिगार्डिंग फॉर द माइक्रोबायोलॉजी पोस्ट ऑफ हेल्थ मिशन, यहाँ पे जो है मैं वाली लिस्ट डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कॉमन मेरिट लिस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द ओटी टेक्नीशियन पोस्ट, तो ये यहाँ पे जो है डाउनलोड हो गई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वैकेंसीज आई थी, मेरिट्स ओटी टेक्नीशियन पोस्ट रिक्रूटमेंट एनएचएम 2023-2024, जिससे यहाँ पे स्कोर आपको देखने को मिल जाएंगे, जेंडर उसका कैटेगरी। इस पर मैंने फुल वीडियो बनाया था, तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे पूछा था इसकी चॉइस फिलिंग कब तक आएगी, कि यहाँ पे जो है किस तरीके से यहाँ पे जो है हमको पता चलेगा। तो आप लोग अप टू डेट रहिएगा, जिस तरीके से यहाँ पे इसकी चॉइस फिलिंग की डेट आ गई है, ये यहाँ पे जो है इस तरीके से नोटिस जारी किया गया है सूचना पत्र, इसी तरीके आपको इसका भी सूचना पत्र देखने को मिल जाएगा। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट अप टू डेट रहिएगा, बाकी आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे इस बारे में कोई भी नई अपडेट आएगी तो आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं सीएचओ की, तो सीएचओ के रिजल्ट से काफ़ी यहाँ पे जो कैंडिडेट्स वो परेशान है कि कब तक सीएचओ का रिजल्ट जारी किया जाएगा, कोई अपडेट बता दो। तो आपको अभी कोई भी ये सारी चीज़ें नहीं बता पाएगा, क्योंकि ऑफिशियली कुछ भी यहाँ पे जो है नहीं बताया गया हुआ है। अभी भी अगर आप जाएंगे सीएचओ सीसीएच में तो आपको कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा नया, सारी पुरानी चीज़ें। हो सकता है कि आप लोग का जो रिज़ल्ट है वो जुलाई के लास्ट में यहाँ पे जो है जारी कर दिया जाए, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे जो है टाइम हो चुका है, कैंडिडेट्स अब यहाँ पे इंतज़ार भी नहीं कर पा रहे हैं, और कई लोग यहाँ पे जो इस चीज़ का विरोध भी कर रहे हैं, और विरोध करना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है, जिनले आप लोग का काफ़ी लोग का इसमें जो है टाइम ख़राब हो रहा है। तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर जो रिज़ल्ट जारी किया जाना चाहिए, ताकि यहाँ पर पता चल पाए कि आगे अब यहाँ पर क्या प्रोसेस होनी है। बाकी इस बारे में अगर कोई नई अपडेट आएगी तो आपको सबसे पहले जो है बता दिया जाएगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।